हेलो दोस्तों, तो कैसी है जनता भाई? पहला क्वार्टर फाइनल हम हार गए हैं। गुजरात पहुंच गई फाइनल में। ये एलिमिनेशन वन है, तो एलिमिनेटर में देखते हैं क्या बनता है। केकेआर के साथ हमारा है, नहीं ये एलिमिनेटर टू है, केकेआर ने हरा दिया है और एलिमिनेटर टू में पहुंच गए हैं। और किसके पक्ष में सिक्का गिरा? टेल्स मांगा था, हमारे पक्ष में गिरा है। क्या करें, बॉलिंग करें बैटिंग करें? बैटिंग करते हैं, बड़ा टारगेट दे देंगे भाई। नीतीश राणा देखो, मौला ही लग रहा है कोई। उस बेचारे के तो अभी तक ढंग से दाढ़ी नहीं आई। लुकी फर्गसन पहला ओवर लेके पहली गेंद पे छह जड़ दिया, धन्नाटेदार धन्नाटेदार, ग्राउंड से बाहर। सातवें फील्डर वहीं पे लगा लिया। पहली गेंद पुल शॉट पे छे, दूसरा फिर हुक कर दिया और 6 रन फाइन लेग के ऊपर से, क्योंकि हमको तो फाइन लेग्स पसंद हैं। ओ सॉरी, फाइन लेग पसंद है एरिया भाई। लो जी, कैच भी पकड़ा दिया, काम खत्म। 3 गेंदों का मेहमान मेरा कौन वे? माई भाई आपकी ज़रूरत है, वन डाउन बैटिंग करो, क्योंकि टीम खतरे में है। 2 गेंदों में 2 छक्के तो आ गए। लो जी, तीसरा भी आउट, तीसरा काम दूसरा। और नहीं 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 भाई, रन नहीं है, नहीं है रन। ये रन है ही नहीं। माही मार रहा है, पहली गेंद पे जड़ दिया 4। लॉन्ग ऑफ और कवर की दिशा में पहली गेंद पे 4। फर्गसन की नानी फर्गसन को याद आ जाएगी। ओ भाई, स्लो गेंद कर गया भाई एकदम से। जब 150 की स्पीड से 133 पे आ गई ना, तो मैं भी डर गया था, अगर लग जाती तो पकड़ा जाता कैच यही चलते। ओ भाई साहब, उमेश यादव, टाइमिंग तो ठीक थी, शॉट सिलेक्शन गलत था, जिसके चलते हमें एक भी रन नहीं मिला। ये सिंगल है, माय बैड आई वाइड, वाइड नहीं थी भाई, सिर के ऊपर से निकल गई। तो ये सामने की तरफ छक्का खाओ फिर। चलो शाबाश, माही मार रहा है, पिच को खराब करते हुए माही भाई। हल्का सा पंच और ये सिंगल। माही भाई ने अपने करियर में T20 में एक भी सेंचुरी नहीं मारी है, तो हम बस वही कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ तो माही भाई ने अचीव किया है और अपनी सेंचुरी भी वो अचीव कर लें तो मज़ा ही आ जाए। उमेश यादव को हौसला देते हुए नितिश राणा, मौलाना। और ये वाले मौलाना ने ठोक दिया 4 कवर की दिशा में, बहुत ही बढ़िया, तेजी से जाती हुई गेंद सीमा और रेखा दोनों के पार। वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय महाकाल। और ये पॉपी शॉट और ओपी शॉट, ये 4 रन माही भाई स्पेशल, ये है माही भाई स्पेशल। और ये लो धन धना धन, तीसरे आदमी की तरफ 4 रन, थर्ड मैन की तरफ 4। फर्गसन जितनी तेज गेंद 146 की स्पीड में डाले हैं, उसकी दुगनी तेजी से गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई। लो ई छक्का खा फिर तू, हमसे होशियारी।
ग्राउंड के बाहर मारेंगे ऐसा लंबा लंबा छक्का ना कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। माही भाई बोल रहे, ये क्या बॉलिंग डाल रहा है तू, और तेज डाल और तेज। और ये सामने की तरफ फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन के लिए सीधा, बहुत ही बढ़िया 6 रन, क्योंकि माही जब मारता है तो बस माही मारता है। फुल एनर्जी पावर में ये गैप में जाती हुई, क्या ये 4 होगा? जी हाँ, माही ने मारा है तो क्यों नहीं 4 होगा, ये 4 भी होगा और आम का अचार भी होगा। चैनल को करिएगा लाइक, ओ वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। हम तो बैटिंग देख के बौखला से गए हैं। बबुआ ही होर छीका मार दियो बे, छीका मार दियो, 50 रन की पार्टनरशिप जुड़ती हुई। आ हमारा मौलाना, हमारा मौलाना ऑन स्ट्राइक मोहिन अली, मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। क्या ये 4 होगा? जी हाँ, ये है खलनायक, 4 क्यों नहीं होगा। फील्डिंग सेट करते हुए लगा दिया वहां पे फील्डर, तो कवर खाली कर दियो बे, हम कवर में मार मार के कवर बना देंगे। ओहो, अंदर की तरफ स्विंग लाते हुए, बढ़िया दिमाग से गेंदबाजी। गुरबाज को भागना पड़ा विकेटों के पीछे से। कैच की आवाज, पर कैच पकड़ने वाला कौन? जब जा रही हो सीमा और रेखा के पार तो काहे कौन कैच पकड़ेगा। वहां फील्डर लगा दिए हैं, वाइट गेम, अंपायर पप्पू गेंदरा द्वारा वाइट का इशारा होगा क्या, दे दिया है। तिहत्तर रन, अभी तो 3.5 ओवर हुए हैं और 73 रन भी हो गए हैं। और ये खेल दिया, उठा के पटक दिए हैं केवल 4 रन के लिए। जो पिछले मैच में स्कोर था वो माही का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था अभी तक का, और ई वाला स्कोर है, ई अभी तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। यार हमसे इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं बोली जाती, कोई मात्रा मुंह फंस जाए तो हमें माफ करिएगा, नजरअंदाज करिएगा, हम क्योंकि पंजाबी छोरे हैं। फर्गसन को तीर की तरह सीधा भेजा, 2 रन भागेंगे। बॉलर की आवाज आई है, फर्गसन ने पकड़ लिया गेंद को। आई फर्गसन फिर से चलने के लिए तैयार, फर्गसन की 50 होने वाली है, केवल 1 रन दूर फर्गसन अपने 50 से। लो जी इसी के साथ फर्गसन की 50, गेंद खड़ी कर दे फर्गसन, लॉकी फर्गसन की 50 होती है। 51 रन का शगन पड़ चुका है, 1 विकेट ली है तो 151 रुपए हो गए हैं। तो ये सामने की तरफ खेल दिया है, पहला छक्का तो नहीं हुआ, चौका हो गया। हमारे दाढ़ी वाले बाबा में इतनी ताकत नहीं है, और जितनी भी ताकत है उसने उस हिसाब से मार दिए हैं। लो बाबा ने दिखाया कमाल, भाई जड़ी बूटी, बाबा ने जड़ी बूटी पी के कमाल दिखाया है, बाबा तो बाबा है। टोपी वाले आदमी से रेंगते हुए सांप का इशारा, बोले सांप यहां से क्या, 4 रन के लिए। एक तो ये हमें गंदे गंदे बाउंसर मारते हैं ना, जब हमें बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है ग्राउंड से बाहर फेंके इसको, बस दिल करता है, होता है नहीं होता है वो तो किस्मत पे होता है। 2 चौके, लो जी चुम्मेश्वरी शॉट, चौका कीपर के सिर के ऊपर से, चुम्मेश्वरी। उमेश जी आए हैं यादव साहब के लड़के को लेके,
ओ भाई साहब, क्या गेंद अंदर को हिलाया है, उमेश माही को हिला रहा है, उमेश माही को हिला रहा है। वाइड बॉल सिर के ऊपर से और बाहर भी, अंपायर टॉफी द्वारा, अंपायर वाइड का इशारा। ये खाली, ये खाली, ये खाली, कहाँ पे मारो, कहाँ पे मारो। ओ भाई साहब, उमेश तो अलग ही गेंद लगा। पहली बार देखा सुरेश नारायण को तालियां मारते हुए और किसी को अप्रिशिएट करते हुए। ये बंदा इतना सीरियस रहता है कि इतना सीरियसनेस की गोली भी नहीं होती। मरने के बाद इतना बंदा सीरियस नहीं रहता जितना ये रहता पिच पे, ग्राउंड में पता नहीं क्या होता है। और इसी के साथ माही के 50 रन, माही का 50। देख रहे हैं दर्शकों, माही ने 50 अपना बल्ला उठाया, देखा आपने। बाहर से आवाज आ रही है, जब हारेगा तब भी बल्ला उठाएगा क्या माही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जो भी आलोचक हैं बोलने वाले, हम इनका मुंह चुप कराएंगे, कराएंगे। माही मार रहा है, माही मर गया, बच गया, बच गया, बच गया भाई, बच गया। उसने अपील भी नहीं मांगी। ये सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में दाढ़ी वाले बाबा का 4, चमत्कार दाढ़ी वाले बाबा। हमने देखो सिर्फ एक ही एरिया भी पकड़ा है, हम टांग की तरफ गए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी टांग पे मारने की। मारने की कोशिश की तो बचा नहीं। ओहो ठाकुर जी आए हैं, लो माही आउट हो गया। ठाकुर जी ने माही की विकेट निकाली, वैसे 107 रन थे पहले पावर प्ले में और एक विकेट के नुकसान पे। अब 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। लो जी छोड़ दिया कैच, कैच छोड़ दिया, निकम्मे भर्ती किया है शाहरुख खान ने अपनी टीम में, निकम्मे एकदम 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 निकम्मे। नाइस बॉलिंग भाई, काय का थर्ड अंपायर पहुंच गया, वो लखनऊ पहुंचे क्या? नॉट आउट। लखनऊ से याद आया भाई, राहुल अपने केएल राहुल जी ने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा पहला ओवर मेड इन खेलने का। अभी तक पूरे आईपीएल में 27 पहला ओवर मेड इन खेले गए हैं, जिसमें से 11 केएल राहुल ने ही खेले हैं पहले मेड इन ओवर। वो भी बंदा अलग ही रिकॉर्ड कायम करने पे लगा हुआ है। होता कुछ हो नहीं रहा है, फिर कान में उंगली दे देगा 2 इनिंग्स खेलने के बाद। भाई ऐसा नहीं है ना, कान में उंगली नहीं देना है। टाइमिंग बहुत बढ़िया हो रही है बट शॉट सिलेक्शन जो है वो खराब हो रहा है। तो नारायण नारायण करते हुए सुनील नारायण जी आए हैं और सुनील नारायण जी गए हैं। भाई कैच, अपना मोहिन गया भाई, अपना मोहिन का लड़का गया। तो अब दोनों भारतीय बल्लेबाज, दोनों सीनियर सिटीजन, अंबती रायडू, लो लो भाई लो, कट मारने जा रहे थे भाई हैट्रिक बॉल पे सुनील नारायण। गायकवाड़ जी अब आए हैं भाई, बजी कहाँ? ये मेरे को बस ये जानना है, ये बजी कहाँ?
लेग बाय, मेरे को तो लगा ही नहीं कि मेरे लगी है, मेरे को तो लगा बीट हो गया है। हाँ लग गई, लग गई, हल्की सी लगी भाई। फील्डिंग देख रहे हो, सारे टांग की तरफ डीप में। हम भी फिर धीरे धीरे खेलेंगे भाई। मानते हो भाई को कि नहीं मानते हो? हैट्रिक नहीं होने दी, हालांकि अगर विप्टो की तरफ होती तो हो जाती, पर होने नहीं दी। लो जी, एक सन्नाटेदार झन्नाटेदार छक्का। गायकवाड़ ने दूसरी गेंद पे ही मार दिया छह। ऋतुराज गायकवाड़ ये कैच तो नहीं होगा। चार रन, बहुत ही सुंदरता से चार रन, बढ़िया एकदम मलाई वाले चार रन। मलाई से याद आया, चांप खाने का दिल कर रहा है यार मलाई वाली। ओह जनाब, कमेंट्री से मैं चला गया इधर उधर, थोड़ा सा माफ करिएगा, मैं कमेंट्री में जायका लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइडू ने इसी बीच खेल दिया है कीपर के पास से थर्ड मैन की दिशा में तीसरे आदमी की तरफ चार रन। ये कहाँ मारी कहाँ गई, पर जो भी है चार हो गया। वाह वाह, क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है, बाउंसर दे रहा है। ठाकुर ने एक विकेट ली, माही को आउट किया। ठाकुर तो यही है इसी की। ठाकुर धीमे हो गया, वो चौड़ से चलता हुआ भाई। लॉर्ड है लॉर्ड, इसका तो गेम करना पड़ेगा। कहाँ जाके खेल रहा है ये शॉट, यहाँ पे मारूं तो सेफ रहेगा कि यहाँ पे मारूं तो सेफ रहेगा कि यहाँ पे मारूं, यहाँ पे मारूं, यहाँ पे मारूं, यहाँ पे मारूं, पीछे दे रहा है तब से तो बॉल पीछे दे रहा है, और जहाँ पे मारी वहाँ पे सेफ रहा। साढ़े 300 स्कोर का टारगेट देना है इनको, केकेआर को। दोबारा आईपीएल में कभी अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। भैया आ गया था भागता हुआ गुरबाज। सुनील नारायण एक ओवर 11 रन 2 विकेटे, मस्त पार्टनरशिप तोड़ गया मेरी। यप यप, आराम से इजी सिंगल लॉन्ग रन की दिशा में। चैनल को यार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और भाई को यूं ही प्यार बरसाते रहना, कमेंट करना अगर कोई गलती मिस्टेक या कुछ भी लग रहा हो तो कमेंट करके बताना, मैं सुधारूँ या ना सुधारूँ वो मेरी मर्जी है, पर आप लोग कमेंट कर देना। यार ये उसके गोदी में मार बैठा हूँ। सुनील नारायण तीसरा विकेट, मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे, उसने इसको बाहर कर लिया थोड़ा सा, यहाँ पे मारना चाहिए था। सुनील नारायण को ध्यान से खेलना पड़ेगा भाई, खतरनाक बॉलर है। पिछली बार तो हमारा अल्जारी जोसेफ ने 5 विकेट ले लिए, उसके बाद बची कुची कसर जो है वो राशिद खान ने पूरी कर दी। नहीं नहीं नहीं, क्यों मारा हवा में, क्यों मारा हवा में, 4 विकेट ले गया ये। जड्डू भी आउट, कीपर कीपर आंद्रे रसल, बेहतरीन और खतरनाक ऑलराउंडर। बहुत बढ़िया सिंगल, अच्छा जडेजा अभी खेल रहा है क्या? क्या बच गया,
गया गया बच गया, ये भी बढ़िया है। ताल से ताल मिलाते हुए जड्डू और राइडू, तो कौन कौन अभी तक आउट हो गया? आराम आराम से चलते हुए, माही भाई आउट हो गए, कॉनवे आउट हो गया, मोइन अली आउट हो गया, रहाणे आउट हो गया, और कौन आउट हुआ? रहाणे, माही भाई सबसे पहले गया कॉनवे, कॉनवे के बाद गया माही भाई, माही भाई के बाद गया मोइन अली, मोइन अली के बाद गया रहाणे, रहाणे के बाद गायकवाड़, गायकवाड़ के बाद बेन स्टोक्स। ओके, तीर की तरह सीधा, मिस फील्डिंग के चलते 2 रन। क्या ये 2 हो जाएगा? जी हाँ, ये 2 हो गया, वाइड भी ऊपर से 2 भी। वाइड दीदी, भाई साहब अंपायर मिला हुआ है। दो रन इसी के साथ आराम से डाइव मार के आराम से अंदर, 160 160 तक तो पहुंचे हम, अभी 12वां ओवर ही चल रहा है। भाई डाइव मार के चौका रोक लिया भाई अपनी टीम के लिए, जो भी था बंदे को फ्रूटी का इनाम चाहिए, फ्रूटी का। भाई साहब हवा में इतनी अंदर लाता हुआ सुनील नारायण गेंद को, और ये 4 रन, बहुत बढ़िया, 4 फाइन लेग की दिशा में। ये उठा के खेल दिया है जडेजा जी अपने 4 रन के लिए, अपने निजी 4 रन के लिए जडेजा जी खेल दिए हैं उठा के। ये एक और 4 रन के लिए जड्डू, सुनील नारायण को हौसला देते हुए, तो टेंशन मत ले, तूने 4 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच दे रही है। ये क्या क्या शॉट मारी भाई, क्या शॉट मारी है, मतलब सीधा हाथों में कैच प्रैक्टिस। राइडू शेम ऑन यू। मिचेल सेटनर, ये वाला नॉन स्ट्राइकर वाला कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, बाय कार, बाइक का सिंगल, मिड ऑफ खाली है जड्डू, उसको ध्यान रख, और मार दिया मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, सीधा गेंद रवाना, छक्का। 12.5 ओवरों में 180, दही की लब बनाएंगे हम लस्सी। एक और जबरदस्त शॉट, एक और 6, मीटर, भाई हेलमेट में गेंद मार दी, कंकशन लेना पड़ेगा लगता है। ये सामने उठा के खेल दिए हैं 4 रन के लिए मिचेल सेटनर, 2 बढ़िया ऑलराउंडर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत ही खूबसूरत ऑलराउंडर है।
उमेश यादव 3 ओवरों में 42 रन। तो उमेश जी चाहते हैं कि उनकी 50 हो जाए। हमें लगता है, क्या आपको लगता है उमेश जी 50 कर पाएंगे अपनी? सिर्फ 8 रन दूर हैं। क्या उमेश जी 50 कर पाएंगे? कमेंट में जवाब दीजिएगा। दो तो गेंदे मिस करा दी हैं, बॉल घसा ली है। लो, मेरे को लगा था बॉल घसाने के बाद आग लगा लेंगे, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। 4 रन खा लिया उल्टा। 14 गेंदों में 35 जड्डू। ओ भाई साहब क्या 6 मारा है। लो जी, इसी के साथ उमेश यादव जी की भी 50 होती हुई। बावन रन अभी 2 गेंदे बाकी हैं। इनसाइड एज पे 4, कीपर ने, गुरबाज ने छोड़ा कैच जडेजा का। मैच फिक्सिंग का हो रहा है, नितेश राणा जी सलाह देते हुए। नितेश राणा फ्रॉम हरियाणा। लो जी सलाह, ज्यादा सलाह भी काम नहीं आती है, इससे पता चलता है हमें। और इसी के साथ 50 पता ही नहीं चला यार। 17 गेंदों में 300 का स्ट्राइक रेट बंदा लेके घूम रहा है। 4 छक्के 6 चौके, हर जगह रन बनाए हैं। और ये है अपना मिचेल सेटनर। क्या ये कैच होगा? नहीं, ये तो आगे ठप्पा पड़ गया यार। मिचेल सेटनर कमजोरी के लक्षण, सर्कल भी क्रॉस नहीं हो पाया। जडेजा में है ताकत, और जडेजा ने घुमा दिया बाउंड्री से बाहर। भाई फुल टॉस, यॉर्कर की कोशिश, यॉर्कर को फुल टॉस बनाया और बॉल को बना दिया जहाज। फिर से फुल टॉस, बट इस बार जहाज नहीं बना पाए। बड़ी मुश्किल से सर्कल क्रॉस हुआ। तेज आ गई थी यार इस बार तो। ये फिर से गेंद का बना दिया जहाज, पीछे फील्डर भागते हुए सीमा और रेखा के पार से बचाते हुए खुद के शरीर पे बॉल खा के 4 रन दे दिए। ओ भाई इसको क्या मिला, ये तो शॉर्ट गई। ये भागा 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 भागा, ये है स्पॉट फिक्सिंग। शरीर पे बॉल खा के खुद ही गिर गया बाउंड्री के बाहर। बॉल लगते बेचारे के तारे दिख गए। शाहरुख भाई आपकी टीम बिक चुकी है। ये फुल टॉस से डाल रहा है, वो बॉल शरीर पे खा के चौके दे रहा है। नितेश राणा बेचारा, इसको लगता है पैसे नहीं मिले। ये फील्डिंग सेट करी जा रहा है, बॉलर को समझाई जा रहा है, इसके भी पैसे दो यार, पैसे दो इसको। नाइस बॉलिंग। सुरील राणा को वापस अटैक में लाया गया है आखिरी ओवर के लिए। इसको आराम से खेलना भाई, इसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना। हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट में पर्पल कैप हमारे दीपक चाहर के पास है। इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन 128 अभी तक कॉन्टेंट डिकॉक ने किए हैं, और अभी तक ऑरेंज कैप एक ही बंदा केएल राहुल। उनकी टीम जीते या ना जीते वो मैटर नहीं करता, ऑरेंज कैप किसके पास? केएल राहुल। बस वाइड गेंद, शाबाश अंपायर हमारा कहना मानते हुए। वैसे उसमें क्या ही कहना मानना, तो भाई तुक्के से बैट लग गया। दो आ जाएगी, आनी तो चाहिए। डायरेक्टर बच गई तो हो गया कांड, बच गया। मैं भी वाइड थी ऐसे फालतू में खेलने गया,
भाई सुनील नारायण अभी तक बढ़िया ओवर डाल के गया है। पूरी फील्डिंग के हिसाब से गेंद डाल रहा है, उसको पता है, यही बोलते हैं ना एक्सपीरियंस। भाई नारायण को खेलना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओ भाई साहब जड्डू तू क्या कर रहा है? अच्छा हुआ मैंने एकदम से देख लिया और वापस आ गया। हो गया नहीं तो ठाकुर 2 ओवर 24। ओ भाई साहब पॉइंट के ऊपर से 6, ये भी फुल टॉस, इसको भी पैसा पहुंच गया लगता है। बेचारा नीतीश राणा को कोई पैसा दो यार, वो बेचारा कब से फील्डिंग सेट कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। क्यों क्यों मारने गया मैं, छक्का क्यों मारने गया मैं? ठाकुर तो उधरी भी कर ले गया। जड्डू की मैंने सोचा सेंचुरी करा देते हैं, माई भाई की तो हो नहीं रही। शिवम दुबे नहीं सेट में, ये क्या किया इसने? ओ यार यहीं पे रह गया एक बॉल, बहुत अर्ली हो गया, बैट के टो पे लग गई। लास्ट विकेट, क्या हम 20 ओवर खेल सकते हैं? दया दया कुछ तो गड़बड़ है, लगता है हमारे लौंडों ने पैसा उठा लिया अब लास्ट में। चलो ठीक है, इतना स्कोर दे के अगर पैसा भी मिल जाए तो क्या ही गम है भाई। धीमी गति की गेंद, ठाकुर बढ़िया ओवर डाल गया यार, सिर्फ एक छक्का खाया, 2 विकेट ले गया, 2 डॉट भी डाल गया। उठा के खेलने की कोशिश दीपक चाहर द्वारा, भाई मतलब कहाँ बॉलर पहुंच, नॉन स्ट्राइकर पे पहुंच भी गया सेटनर। दीपक चार वेंकी, भाई वेंकी से गेंदबाजी, वेंकटेश अय्यर, और ये दे दिया धनाधन छक्का। शिवम दुबे द्वारा, भाई 250 रन कंप्लीट। चलो 300 सोचे थे, वैसे अभी भी पड़े हैं काफी ओवर। सब कुछ आइडियल तो है बट क्या फायदा, सब कुछ आइडियल होने के बावजूद भी यार बाउंड्री से 10 फुट अंदर कैच। एक बत्तख, कौन सी बत्तख, बेंच स्टॉक, बेचारा एक ही बॉल खेली। चलो दीपक चार आया है बॉलिंग पे, ये भी रखते हैं इसको, इसको बुलाते हैं पीछे, इसको करते हैं इधर, इसको निकालते हैं यहाँ से बाहर, तू पड़ा रहे वहीं पे टुकड़ों पे पल। बहुत बढ़िया यार, इसको थोड़ा सा नीचे करें, ये वाला फिल्टर सो जाता है, इसकी तरफ बॉल नहीं आती। तो कौन है? ओके लिट्टन दास और गुरबाज ओपन कर रहे हैं। पहली बॉल भाई चारों खाने चित करा दिया, पहली बॉल पे ही। लिट्टन दास को कुछ समझ नहीं आया, ड्राइव मारो क्या करूं। यप केरला की दिशा में एक सिंगल, कहाँ बैट पे बॉल लग रही है तो कहाँ भाई, या चिल्लाने लग पड़े हैं, ये सबके गले खुले हुए हैं। ये बहुत बढ़िया, अभी तक थ्रो पता है भाई 151 रन का, 251 रन का टारगेट है। ओ भाई साहब अलग ही डायरेक्शन में गेंद चल रही है, वाइड दे दी अंपायर ने।
गया वापस अंदर। नहीं तो अभी मिलता नहीं है, कहाँ गया था। शाबाश से गिर गिर के पहले ओवर 4 रन। अपना दुबे जी का लौंडा आता हुआ भाई, इस पिच में काफ़ी ज़्यादा स्विंग भी है यार। कहाँ पे शुरू हो रही है गेंद, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ड्रग टिट्टे शुरू हो गई हुई हैं। थोड़ा सा लौंडा को ऊपर बुला लें यार, सर्कल पे आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। ओ भाई साहब, भाई मेरे वाले बॉयज ना कि सामने वाले बॉयज। लिटन दास गुस्से में आ गया, बोला तुमने समझ कर रखा है। वैसे तुम कोई समझने वाली चीज तो हो नहीं जो तुम्हें कुछ समझे। हम ओ भाई साहब, बाउंड्री से डायरेक्टेड विकेटों पे। भाई मिड विकेट के ऊपर से 4, थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा यार। खेली तो जाती है नहीं, हवा में बैट घुमाने बस इनको। भाई सॉरी, छक्का। शिवम दुबे को तो मार मार के बुरा हाल कर दिया। भाई कितनी तेज आ रहा है यार ये शॉट्स पे। शिवम दुबे पहले ओवर में आए 4 रन, दूसरे में आए 13 रन। मैंने कहा शायद भागे, मैं थोड़ी देर बॉल हाथ में पकड़ के रखता हूँ। ए हे, बॉलर। ओ भाई, माई भाई क्या कर रहे हैं आप? टप्पा थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, शायद एज लग जाए। टप्पा पीछे तो खींच लिया, बट थोड़ा सा अंदर भी करना चाहिए था ना, तो ज्यादा ही अंदर हो गया। तो भाग जरा, तेरे को मैं बताता हूँ। भाई भाई विकेटों के पीछे रहो, आगे जाके नहीं पकड़नी है। विकेट कीपिंग के बेसिक्स में सिखाया जाता है। चौका नहीं हुआ, सही है। फील्डर मुश्ताद अपने इस बार 5 रन दे दिए हैं। ओए यार कहाँ से निकल गया 4। शिवम दुबे को बेचारे को माई भाई कोई फायदा नहीं है फील्डिंग सेट करने का, ये खाएगा ही खाएगा। पकड़ ले तू, पकड़ ले। पीछे फील्डर मौजूद, बॉलर नहीं, बॉलर को तो देने ही नहीं भाई, बॉलर के हाथों में नहीं गेंद देनी। शाबाश भाई, मतलब एक 12 गेंदों में 15 रन है, दूसरा 10 गेंदों में 11 है, क्या खेल रहे हो यार? सॉरी, तुम बहुत बढ़िया खेल रहे थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे यार, मेरी गलती, मैं ज्यादा बोल गया। भाई ये मतलब ऐसे बॉल डाल दी, पहुंच जाएगा आराम से, बहुत ज्यादा दूर है थ्रो, बहुत दूर थी थ्रो। क्या करे, दीपक चार को तीसरा ओवर देना चाहिए, देना चाहिए यार, विकेट टेक कर ऑप्शन यही है हमारे पास। भाई मतलब पूरी लाइन कवर करके खेल रहे हैं,
लेकिन अगर वहां से ट्वीट हुई तो सीधा LBW आउट है। बहुत बढ़िया खेल रहे भाई दोनों, बहुत बढ़िया खेल रहे। मैंने पहले बोला था अगर बीट हुआ तो जाएगा, बीट होगा तो जाएगा। प्रडिक्शन भाई की प्रडिक्शन, दीपक चार नाचते हुए, चल चल बाहर निकल, पूरा सामने मिडल स्टंप पे बॉल लग रही है, रिव्यू के बारे में सोच रहा है भाई। वेंकी भाई आ गया, वेंकी भाई कि भाई ने शॉट तो बढ़िया ट्राई किया पहली गेम पे। ओ चौका दूसरी गेंद पे ही, डाई मार दे, डाई कहाँ ही मारेगा यार ये। स्लो बॉल ट्राई करते हैं, मार दे, इधर गया गया गया, फ्रेम में नहीं है अभी तक शायद, शायद थर्ड मैन नहीं, थर्ड मैन कह रहा हूँ, थर्ड अंपायर। क्या यार मेरी भी जुबान, थोड़ी सी धीमे रखने की कोशिश, पकड़ ले गेम। चल एक चौका ही पड़ा है, बाकी तो ओवर बढ़िया गया। चल तेरे को नहीं ओवर देना, मांगने आ गया फिर से ओवर। जड्डू अपना बॉल डालेगा, ये फील्डर को जड्डू के लिए अंदर कर देते हैं, ये फील्डर को हम जड्डू के लिए बाहर कर देते हैं। ओके जड्डू, लो वेंकी भाई आपकी शॉट, आपने तो हमें शॉट कर दिया। नहीं यार फील्डिंग हर बॉल पे नहीं चेंज करनी, मारने दो इनको, थोड़ा सा खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे, दुनिया हिला देंगे। ओ सॉरी वो तो मुंबई का है ना। ये चल भाई वेंकी भाई गया, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, वेंकी भाई आप आउट हो, आप जा सकते हो भाई। भाई के हाथों कैच आराम से, नीतीश राणा भाई ऑन द क्रीज, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा आगे, भागने की कोशिश मत करना, ये भी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा आगे, चौका मार दिया यार। ये रुपए ऑन द गो फोर, मैं के साथ साथ में इस बार के जो स्पॉन्सर है उनको भी हम मेंशन कर देना, रुपए ऑन द गो चौका भाई। मतलब क्या सोच के तुम शॉट मार के भाग रहे हो, मतलब क्या क्या गुरबाज भाई क्या, अफगानिस्तान की फ्लाइट छूट रही थी, मतलब मारते ही दौड़ा भाई बंदा। एक तो फील्डर मेरे ऊपर है, दूसरा तुम किसके हाथों से भाग रहे हो, ठीक है बेन स्टोक्स है अगला बंदा, समझ क्या रखा आपने उसे। माना कि इस बार उसकी वाइब नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वो वर्सेटाइल नहीं है। शायद 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 अंपायर थर्ड अंपायर कर दे, मेरे को लगा मैं क्या हो गया आउट। आंद्रे रसल, क्या रसल की मसल पावर चलेगी या चलेगा अपना सिक्का। अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है, तो फील्डिंग से छेड़छाड़ ना ही की जाए तो अच्छा है। और इससे नहीं बचने वाली, सारी जिंदगी नहीं बचने वाली इससे।
लास्ट ओवर डाल रहा है, इसके बाद इसका आखिरी मैच है। तो कर यप यप अंपायर, तू हट जा, मार दूंगा तेरे सिर में बॉल। आगे दिमाग घुमा पड़ा है। चार ओवरों में 19 रन, एक विकेट, दीपक चार, बहुत बढ़िया। जिड्डू भाई के लिए फिल्टर बाहर भेजे जाए। चार पांच फिल्टर बाहर हो गए, बस काफी है भाई साहब। रसल दी मसल पावर, सेफ खेल दी भाई बंदे ने, पूरे 200 रन चाहिए, पूरा शगुन चाहिए इनको जीतने के लिए। हाँ तुम खेलो खेलो, सिंगल सिंगल खेलो, चौके छक्के नहीं मारने, ठीक है। 199 रन 76 गेंदों में, बस भाई किसी के अंदर वार्नर वाली आत्मा ना आ जाए और मेरे को फालतू में धो दे। पहुंच गया, नहीं आउट, मेरे को लगा शायद नहीं पहुंचा है। ये फ्लाइट बॉल, पूरी लॉलीपॉप वाली फ्लाइट भाई, कोई है पकड़ने के लिए? ओ भाई तीन रन आ गए, चलो एक रन तो बचाया भाई ने। ये भी फ्लाइट बॉल देते हैं, ये फुल फ्लाइट, एक दो तीन, लास्ट बॉल इस ओवर। माय भाई आप लेट हो गए, नहीं वो पहुंच गया, हेटनर को बॉल डलवाया जाए। हल्का सा हवा दी जाए। अबे भाई साउंड ऐसा आया जैसे इसने ग्राउंड के बाहर फेंक दिया है, सर्कल भी नहीं पार हुआ इससे यार, कैसे कैसे प्लेयर भर्ती किया है। ये तो आ गया कैच, देखो सर्कल पार होता नहीं है, स्टेप आउट करके मारेंगे, स्टेप आउट करके मारोगे भाई। आंद्रे रसल भी गया, मसल पावर वाला भाई रिंकू सिंह, इस बार आईपीएल का हीरो और काफ़ी चर्चाओं में भाई, बहुत टैलेंटेड लड़का है। ऐसे ही तो नाम बनेगा। टप्पा पड़ गया, अच्छा वहाँ पीछे फील्डर है, नहीं तो चार हो गया था। नीतीश राणा कप्तान, ये रेड़ता हुआ छक्का, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर को कूदता हुआ। जड्डू तू रुक जा, मोइन अली तो आ जा, मोइन अली से दूसरा डलवा डलवा के उनको परेशान करते हैं भाई। क्या दूसरा उसने चौका मार दिया यार, लाइटेड बॉल, खुदी 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 खुदी, नाइस नाइस पिकअप एंड थ्रो। दोनों लेफ्टी हैं यार, यार रिंकू सिंह भी हाथ खोल रहा है, रुक जा यार, इसको थोड़ा सा ना नीचे को कर लें, सब ठीक है, अब मारो जरा बाउंड्री। अबे नहीं है कैच यार, फालतू में चिल्लाते रहते हो तुम लोग। क्यों थ्रो किया तूने, मैंने तेरे को बोला
दो छक्के पड़ गए यार फालतू में। चलो शाबाश, सेटनर 1 विकेट, बोल्ड दूसरा विकेट, बहुत बढ़िया। रिंकू सिंह तो बोल्ड मारा, चारों खान निश्चित। सीन पे आते हुए पढ़ के तेज हुई आउटसाइड एज और विकेटों में खत्म गेंद। बस ये लास्ट जोड़ी है, इसके बाद मैच खत्म। भाई स्वीप निकाली पिटारे में से, हवा देते हैं गेंद को और बहुत बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। भाग तू वापस, क्या भाग भाग। स्वीप शॉट फिर से, ओ भाई माई भाई ने धीरे से बेल्स गिरा दी। मोहिन मोहिन भाई अलग ही मोहिन में चल रहे हैं। ओ भाई साहब चौका मार दिया यार नीतीश राणा। एक बार मिस हो गई ना इससे स्वीप, पेंट गिल्ली हो जानी है, एलबी डब्ल्यू हो जाना इसका। नाइस नाइस, ओ भाई डायरेक्ट इट, क्या ही बात, ना कोई मुलाकात ना मुक्का लात, सीधा क्या ही बात। ओ भाई तेरे से एक बार ये स्वीप मिस हुई ना, तेरे को मैं बताऊंगा फिर। करा दिया लड़का, रन आउट करा दिया। माई भाई आप लेट हो गए, थ्रो भी थोड़ा सा धीमे आया पता चल गया मेरे को। ये वाला थ्रो बढ़िया था। 12 ओवर 85 रन, कैच भी शिमन दुबे को लाना चाहिए। के बाद लाता हूँ शिवम दुबे को, देखते हैं वो क्या करता है। भाई ये भी अब स्वीप शॉट मारेंगे, फुल फ्लाइट डालते हुए गेंद को, और इनसाइड एज बचा गया इसको। भाई भाई ने आवाज मारी कीपा, तो बोला तेज आ थोड़ा सा ऊपर आ। ये चौका नहीं होगा, भाग तू जरा। ये पक्का राइडू ने थ्रो मारी है जो पहुंची नहीं। इसमें नीतीश राणा ये हाथ में मार बैठा, नहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। मेरे को ये नहीं समझ लगता बॉलिंग एंड वाले को क्या ही नशा है। मोइन से यार ये वाला डलवा लें, अगर अगला देखेंगे क्योंकि दो जड्डू के भी पड़े हैं।
साहब डायरेक्ट हिट चल पड़ी। इसके बाद यार मेरे को लगता है आउट 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 है। चलो नितेश राणा जी हमको माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई, बट आप तो हो गए आउट। रिव्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं, चलते चलो। LBW हुए हो, अच्छा कैच हुआ है। आउट बाय महेंद्र सिंह धोनी, सुनील नारायण। आ जाओ भाई सारे ऊपर आ जाओ, जल्दी मैच ख़त्म किया जाए। क्योंकि ऊपर टाइमर चल पड़ा है। हो सके तो शायद मैं कुछ ओवर बीच में स्किप कर दूं। नहीं 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 नहीं, चौका हो गया यार। रुपए ऑन द बॉल, चौका। पूरी ढीली मारी है बॉल, कुछ समझ नहीं लगा। सेटलर तो डाल, खत्म करो यार स्पिनर अपने ओवर। क्योंकि टाइम अभी थोड़ा रह गया है। मारने तो चौके, अभी 150 रन चाहिए भाई। 150 रुपया देगा, नहीं है यार। क्यों मांग रहे हो पीले? फ्लाइट डाल बिट्टो के बीच में, चौका एक और फाइन लेग की तरफ। ठाकुर है जो मैच बचा सकता है। ओ भाई साहब करो रैम थोड़ा सा। फुल फ्लाइट बॉल, चलो यार मैं इसके बाद अब स्किप कर रहा हूँ ओवर, क्योंकि टाइमर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। 5 ओवर स्किप कर रहा हूँ। चलो हम जीत गए मैच। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हम ये फाइनल में पहुँच गए हैं, अब होगा CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस फाइनल, वही माई भाई और हार्दिक पांड्या के बीच में। जो मीम्स चल रहे हैं हमने उसको सच किया है, अब देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि हार्दिक ने तो बोला कि वो माई भाई को हराएगा, हालांकि उसने पहला तो सेमीफाइनल हरा ही दिया था, दूसरा सेमीफाइनल हम जीत गए। ने CSK को KKR को बार किया है CSK पहुंची फाइनल में। चलो यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।